वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलान। दोस्तों मेरे चैनल में सब लोगों को स्वागत है। जो भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो दोस्तों, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बगल में रखा बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो लाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास ही जाएगा। तो दोस्तों चलिए बातें ना बढ़ा के वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों आज मैं जो लेके आया हूँ एक ब्लूटूथ हेडफोन है। तो देखिए कस्टमर ने इसको तोड़ फोड़ के लेके आया है। इसका लाइट तो जल रहा है लेकिन इसका देखिए स्पीकर वगैरह सब टूटा हुआ है, इसका तार भी टूटा हुआ है और अंदर से भी खुल गया है, वो स्पीकर के अंदर से निकल गया है तार। तो इसको हम कैसे ठीक करते, तो वो देखिए जो नया टेक्नीशियन है उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा कि एक ब्लूटूथ हेडफोन को कैसे रिपेयर करते हैं। और जो भी भाइयों बहनों और दोस्तों मेरे वीडियो को देख रहे हो वो भी चाहो तो ऐसे आप लोग ब्लूटूथ हेडफोन को ठीक कर सकते हो अपने आप। तो मेरा वीडियो को देखते रहे और सीखते रहे। तो चलिए अभी क्या करूँगा मैं, इसको पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब मीटर को तो कंटिन्यूटी मोड में रखना होगा, मतलब जो डायोड मोड है तो रख के ही इसका पूरा ब्लूटूथ का टेस्टिंग होगा। तो देखिए ये भी निकल के चला आया इसके अंदर से, और इसका जो है स्पीकर जहाँ पे रहता है तो वो मेटल का है, फाइबर का नहीं है। तो इसमें देखिए हम इसको कैसे ठीक करते हैं। तो पहले इसका जो पिन है, मतलब दो लॉक रहता है स्पीकर के अंदर, अगर खींचा तानी हुआ तो स्पीकर का तार टूटे ना, तो इसीलिए तो उसको हम स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा उसको हम टेढ़ा कर लेंगे, उसके बाद वो लूज़ हो जाएगा तो वो निकल के हम बाहर रख देंगे। तो एक तो बड़ा है उसको रख दिया, बाहर निकल के रखना पड़ेगा। तो दोनों पिन ही मैंने निकल के बाहर रख दिया। अभी जो ब्लूटूथ का है इसका बॉडी खोलेंगे, क्योंकि इसको खोलना पड़ेगा क्योंकि स्पीकर चल नहीं रहा था, इसीलिए वो कस्टमर खींचा तानी करके इसको खोल दिया है। देखने की कोशिश किया था कि क्या हुआ था, तो हुआ नहीं, तो इसीलिए खोलेंगे कि इसका तार को टेस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों ये वाला एक साइड का जो है टूटा हुआ है, तो हम बोर्ड को बाहर निकल लिया, इधर लगा हुआ है, ये वाला तार तो सही है लगा हुआ है, लेकिन अभी इसको क्या करेंगे देखिए। इसको जो इसका जो वायर है, दो वायर होता है, एक ग्राउंड का होता है एक ऑडियो का होता है, तो इसको हम देखिए ऐसे आगे खींचेंगे तो ये नहीं खुलेगा। तो इसको कैसे हम छीलेंगे देखिए, आयरन के मदद से, आयरन के ऊपर रखिए, थोड़ा सा खींचिए तो निकल जाता है। देखिए तार निकल गया एक साइड का, और दूसरा साइड का भी तार ऐसे ही निकलेंगे, देखिए बहुत आसानी से निकल जाता है दोस्तों, देखते रहिए। देखिए दोनों तार ही निकल गया। अब हम क्या करेंगे, कटर के मदद से इसका जो वायर है उसको बारीकी से काट लेंगे। इसका देखिए वायर भी अंदर से टूटा हुआ है, फिर से मेरे को थोड़ा छीलना पड़ा ज़्यादा, क्योंकि वो खींचा तानी में अंदर से टूट गया। देखिए इसका वायर मैंने निकाल लिया है, तो जितना वायर सही लगे आप उसके बाद से वो कटर से काट लीजिए। काटने के बाद देखिए इसका जो है दोनों वायर का एंड में थोड़ा पेस्ट लगा के इसको हम सोल्डर कर लेंगे, क्योंकि हमको तार को टेस्ट करना है कि ये वाला वायर ठीक है कि नहीं है, नहीं तो इधर हम दूसरा वायर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो भी दिखाएंगे। तो इसको हम थोड़ा पेस्ट लगा के सोल्डर कर देते हैं दोनों तार के एंड में। देखिए दोस्तों देखिए कैसे मैंने सोल्डर कर दिया, हो गया, इतना काम तो हो गया। अभी ये वायर को हम टेस्ट करेंगे। तो मीटर को पहले ही बोला है कंटिन्यूटी मोड में रखना पड़ेगा,
उसके बाद दोनों प्रोब ले लीजिए हाथ में, उल्टा सीधा हो कोई बात नहीं। देखिए दोनों एंड में वायर का लगाइए, उधर कंटिन्यूटी दिखाएगा तो वायर सही है। तो देखिए हमको दोनों वायर के एंड में कंटिन्यूटी मिल गया तो सही है। अभी एक साइड का काम इतना तक हो गया, अभी क्या करेंगे, अभी इसका जो है दूसरा वाला, इसका जो लॉक है लॉक को चीरा लगाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये नहीं हो सकेगा। तो इसको ठीक करने के बाद नया जैसे ही देखेगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा कि रिपेयर हुआ है। देखिए कैसे इसको चीरा लगा के हमने निकाल लिया है, लॉक को रख दिया है। तो अभी ये वायर को भी हम आयरन के मदद से छील लेंगे। देखिए दोस्तों ऐसे हल्का से इसको लगाइए और हाथ नेल के मदद से थोड़ा खींच लीजिए तो देखिए खुल गया। तो देखिए दोनों वायर निकल गया, अभी कटर से काट लीजिए, सेम प्रोसेस इसको सोल्डर कर लेंगे। और दोस्तों मेरा अगर चैनल का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उधर जाके भी मेरा बहुत सारा वीडियो देख सकते हो। और मेरा वीडियो के ऊपर में जो आई बटन है उधर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हो, और मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में भी जाके बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारा टॉपिक के ऊपर है, वो भी देख सकते हो। और दोस्तों देखते रहिए। तो मैं पहले भी बोला है मेरा एक शॉप है, उसका नाम है अनिता इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसी में हम बैठ के इसका जो वीडियो बनाते हैं, काम करते हैं, उसी का कुछ कुछ वीडियो हम डालते हैं। टाइम का तो बहुत कमी है दोस्तों, तो इसीलिए हर एक वीडियो हम डाल नहीं पाते, और इधर नेटवर्क का भी बहुत प्रॉब्लम होता है, एक वीडियो अपलोड होने में 4-5 घंटा लग जाता है। तो दोस्तों देखिए इसको भी मैंने सोल्ड कर लिया, अभी इसको टेस्ट करेंगे ये वाला हुआ ठीक है कि नहीं है। तो सेम प्रोसेस कर लेते, तो इसके नेक्स्ट वीडियो और एक आएगा, वो भी बहुत अच्छा वीडियो है, यूनिक वीडियो है, सैमसंग का एक फ़ोन है, वाटर डैमेज डेट सॉल्यूशन होगा उसमें, और उसमें हेडफोन मूड का भी प्रॉब्लम है, उसका भी आएगा। तो दिल थाम के बैठिए, जल्दी वो वाला वीडियो आएगा इस वीडियो के बाद में। तो देखिए ये जो वायर है इसको हम इसके अंदर से डाल लेंगे, स्पीकर का जो कवर है जहाँ पे स्पीकर रहते हैं। तो देखिए इसका जो लॉक है लॉक को हम वायर के अंदर फंसा लेंगे, तो थोड़ा सा ही वायर निकल आएगा प्लास्टिक वाला, तो हम प्लास के मदद से उसको दबा देंगे थोड़ा सा, तो लॉक उधर बैठ जाएगा, वायर के ऊपर बैठ जाएगा। अभी खींचातानी होने से बाहर निकल नहीं पाएगा वो वायर, तो अभी थोड़ा पेस्ट लगा के स्पीकर के ऊपर हम सोल्ड करेंगे। लेकिन दोस्तों ये खींचातानी में हुआ क्या है, ये स्पीकर का जो फॉयल है वो लगभग उखड़ ही गया, तो इसको हम सोल्ड करने के बाद थोड़ा इसमें ग्लू लगाना पड़ेगा। तो कौन सा लगाए, इसमें डेंड्राइट वाला ग्लू लगाएंगे, थोड़ा ग्लू लगा के इसको स्पीकर को उसके जो कवर है उसके अंदर रख देंगे, तो अच्छी तरह से वो बैठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो फिर से टूट सकता है। तो देखिए थोड़ा ग्लू लगा दिया मैंने, और स्पीकर का ये जो बॉक्स है ये वाला मेटल का है दोस्तों, ये खोलने में भी परेशानी होता है, लेकिन इसका भी आसान तरीका है, मैं नेक्स्ट जो वीडियो करूंगा उसमें आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे इसको खोलते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए इसका नीचे वाला लॉक तो लगा दिया मैंने, अभी ऊपर का ढक्कन इसमें आहिस्ता से प्रेशर करने से लग जाएगा, लेकिन पूरा नहीं लगेगा, अभी प्लास की मदद से इसको लगाना पड़ेगा, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके दबाइए
तो ये अच्छी तरह बैठ जाएगा। तो देखिए एक साइड का वायर का काम हमारा हो गया है, तो अभी दूसरा साइड का भी करना पड़ेगा। तो अभी एक साइड का तो हो गया, इसको हम मीटर की मदद से टेस्ट कर लेते थोड़ा स्पीकर से ये कि नहीं है। देखिए कनेक्शन अभी देखते, देखिए अभी वायर सही है, लेकिन ये स्पीकर का जो ओम्स है ये 15 ओम्स का है, तो ज़्यादातर 28 से 32 34 ओम्स का होता है, लेकिन ये वाला कंपनी 15 ओम्स का दिया है। तो इसका जो है ये वाला वायर लॉक लगा लेते, ये वाला छोटा वाला जो है वायर उसमें भी लॉक लगा के प्लस से दबा देंगे तो मजबूती से बैठ जाएगा। देखिए आहिस्ता से दबाना, नहीं तो फिर से ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे तो वो तार टूट जाएगा, बहुत बारीक तार होता है इसके अंदर। तो सेम प्रोसेस है दोस्तों, ये वाला स्पीकर को भी हम सोल्ड कर देंगे, उसके बाद इसमें ग्लू लगाएंगे, क्योंकि इसका भी फॉयल उखड़ दिया, अगर ग्लू नहीं लगाते तो ये अंदर रहेगा, टूट जाएगा, फिर थोड़ा तो हिलेगा ही इसके अंदर तो टूट सकता है, इसलिए इसमें भी ग्लू लगाएंगे। लगाने के बाद आहिस्ता से बैठा देंगे तो आसानी से बैठ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं ज़रूर कमेंट कीजिए कि मेरा वीडियो कैसे लगता है, अच्छा है क्या बुरा है, कुछ तो कमेंट कीजिए, क्योंकि हमको वीडियो करने में खुशी होगी, और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे जिससे आप लोग कुछ सीख सके। तो आज वाला वीडियो से बहुत जो नया टेक्नीशियन है उसको बहुत काम करने में आसानी होगा, क्योंकि उन लोगों को तो थोड़ा बहुत पता ही है, उसके बाद बाकी मेरे से देख के उन लोगों को पता चल जाएगा और भी सही तरीके से काम कर सकेगा। और जो लोग जानते हो तो भाई हमसे ज़्यादा ही जानते हैं। तो चलिए छोटा वाला जो वायर है उसको लगा लिया, अभी देखिए बड़ा वाला जो वायर है इसमें ये लॉक तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हम वायर के अंदर फंसा लेंगे, तो थोड़ा आगे खींच के थोड़ा सा ही वायर बाहर निकलेगा, ऐसे जैसे जितना बैठा सके, मतलब फिट हो सके आसानी से, उतना ही वायर को आप बाहर रखिए, ठीक है। और इसको पहले सोल्ड कर लेते, उसके बाद दिखाते हैं उसको कैसे आप ठीक करते। तो दोस्तों ये वाला वीडियो थोड़ा ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इतना क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो लोग ब्लूटूथ हेडफोन रिपेयर करना चाहते हैं लेकिन उसको सही तरीका पता नहीं होता है, तो इसीलिए हम वीडियो को स्किप ना करके पूरा दिखाया, क्योंकि आप लोग कुछ सीख सके, क्योंकि सिखाने वाला तो बहुत होता है लेकिन सही तरीका सीख नहीं पाता है बंदा, कभी कभी उसका समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने इसका पूरा वीडियो दिखाया, स्किप नहीं किया। तो देखिए बोर्ड को हम थोड़ा अच्छा करके बैठाएंगे, थोड़ा दिक्कत हो रहा है बैठाने में इसको, तो देखिए मैंने लगभग बैठा लिया है। तो अभी देखिए ये वायर जितना रहेगा अंदर उतना ही करके लॉक को बैठा दीजिए, मतलब उतना ही रखिए, अभी
थोड़ा फेविक्विक का सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा ही लगा दीजिए, क्योंकि बाद में भी इसको खोल के आप रिपेयर कर सकते हो, जितना बार भी ख़राब हो। तो इसीलिए थोड़ा सा ही फेविक्विक दीजिए, क्योंकि लॉक ही वायर को पकड़ के रखता है बॉडी के साथ। तो चलिए अभी सूख जाएगा फेविक्विक, तो इसको बैठा देंगे। देखिए सूख गया है, अभी इसको आहिस्ता से बैठा दीजिए। चलिए बैठ गया है दोस्तों। तो अभी इसका जो ऊपर का ढक्कन है वो भी लगा देंगे, वो भी आहिस्ता से प्रेशर कीजिए, लग जाएगा। तो देखिए अभी दोनों लग गया है, चालू हो गया है। इसका साउंड तो हम सुना नहीं पा रहे आप लोगों को, लेकिन हमने टेस्ट करके देखा है, सुनाई दे रहा है दोनों कान में। तो ये नया जैसा हो गया, अभी कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि इसका रिपेयर हुआ है दोस्तों। तो ऐसे ही आप लोग कोशिश कीजिए, ज़रूर हो जाएगा। एक बार में ना हो तो 4-5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, तो एक बार तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों इसको हमने लगा दिया है। तो इतना ही था मेरा दोस्तों वीडियो। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। फिर से मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा, आपका दोस्त मिलन।